आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, या कंप्लीट ना हुआ तो अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में कलरिंग वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा बताया था कि कैसे आप लोग आउटलाइनिंग करते हैं, एक लेयर पे सारा काम करना है, ब्रश कैसे बनाना है, माउस यूज़र कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे और ग्राफिक टैबलेट यूज़र कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, और सारा कुछ मैंने बताया था। तो इस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने ये टैटूज़ का भी बता दिया था कि आपकी मर्ज़ी, आप बनाते हो या नहीं बनाते, अगर बिगनर हो तो ना ही बनाओ, क्योंकि मैंने भी देखे यहाँ पे सेम टू सेम टैटूज़ नहीं बनाए हुए। देख लें, अगर नीचे दो शेप है मैंने बस उसके ऊपर किया, अभी मुझे नहीं पता लग रहा कि यार इसका एग्जैक्ट टैटू के यहाँ पे फ्लावर बना हुआ, लेकिन सही क्लियरली मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पर जो जो मुझे नज़र आया, यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, जो ज़्यादा मैंने बोला कि वेक्टर आर्ट में मैसी लुक लगेगा ज़्यादा अगर बना दिए, तो मैंने खुद से ही बस ये देखे थोड़े थोड़े यहाँ पे बना दिए, पूरा मैंने नहीं बनाया। ठीक, तो ये जो अच्छा लग रहा था वो मैंने इसके साथ मैच करा लिया जितना मुझे लगा है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपकी स्केचिंग कम्प्लीट हो जाए ना, लाइन आर्ट वर्क कम्प्लीट हो जाए, तो अडोबी इलस्ट्रेटर में आप लोग ना ये ध्यान में रखें कि आपके जो सारे आउटलाइनिंग है ना वो क्लोज होनी चाहिए, कहीं से भी खुली ना रहे, मतलब कि इंटरसेक्ट करे यहाँ से। ठीक, देखें यहाँ से मैंने इंटरसेक्ट कराई हुई, ये चीज़ हम लोग डिलीट कर लेंगे। मैं एक प्रोसेस करता हूँ कलरिंग का, नहीं तो लोग क्या करते हैं एक लेयर बना के दोबारा से पेन टूल से कलरिंग करते हैं, तो वो वाला मुझे बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ही मुश्किल है काम। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लो, जहाँ भी मैंने की, अभी मैंने अंगूठी बनाई है ना, अंगूठी मैंने चारों तरफ से क्लोज़ की हुई है, कहीं से भी ओपन नहीं है। वो इसलिए जब भी मैं इसमें हैंड पे कलर करूँगा ना, बेस कलर, वो अंगूठी के अंदर ना जाए, जो अंगूठी का वाइट कलर होगा वो हैंड में ना चला जाए। ठीक, इसलिए इंटरसेक्ट करना लाजमी है और पूरे आउटलाइनिंग को इंटरसेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेन टूल से सारा किया हुआ, देख लो। ठीक, अब क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस करना, ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ ये वाले स्टेप्स। ठीक, तो यहाँ से मैं एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूंगा और पाथ फाइंडर विंडोज़ में जाएंगे तो आपका यहाँ से पाथ फाइंडर जो है ना वो ओपन कर लेना है। पाथ फाइंडर एक्सपेंड हो गया, पाथ फाइंडर यहाँ पर आपका आ जाएगा और यहाँ से आपने डिवाइड पर क्लिक कर लेना। अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी स्टॉक्स थी ना, जो इंटरसेक्ट की हुई थी ना, वो सारी डिवाइड हो गई है। अब हम इजीली इनको कट आउट कर सकते हैं। देखो, यहाँ से आपने सिलेक्शन टूल लेना है, फिर नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल को नहीं लेना। ठीक, अगर सिलेक्शन टूल से करेंगे तो वो पूरी आउटलाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेंगे तो वो सिर्फ वो पार्ट ही सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इसको, और डिलीट का बटन जो है ना वो टू टाइम प्रेस करना है और डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी है ना, जहाँ से मुझे लगेगा, अब यहाँ पे देखें जो मैंने लगाई थी ना पेन टूल से, वो क्यों गायब होगी यहाँ से। देखें, मैं अंडो जाता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, देखिए यहाँ पे थी और ये मैंने पेन टूल से लगाई थी, इसका मतलब मुझे इसको अलग अलग एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो बिगनर है उनको समझ नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ठीक, इसको एक्सपेंड कर लेना, ये किसी अलग वीडियो में बताऊँगा। जो पेन टूल से कोई भी लाइन लगाओ ना, उसको अलग अलग एक्सपेंड कर लेना है। ठीक, क्योंकि ये दो लाइंस मिक्स होती हैं, स्टॉक्स मिक्स होती हैं, एक ब्रश टूल के आप लगाते हैं और एक पेन टूल से, तो वो मिक्स जब हो जाए ना तो इस तरह नहीं होता, वो आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। दोबारा से एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, पाथ फाइंडर से डिवाइड कर देंगे और इन सबको जो इंटरसेक्ट है ना वहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, अभी देखें मैंने आपको हर चीज़ का बोला इंटरसेक्ट करनी है, ये कट जाती है बाद में, बेशक जितनी बड़ी इंटरसेक्ट कर लूँ लाजमी करनी है। अगर कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है नॉइज़ की तो इग्नोर करना। तो ये देखें मैंने सारा जो है ना कट आउट कर लिया सारी जगह से। अब मैं कलरिंग की तरफ आता हूँ। ठीक, तो दो टाइप की कलरिंग लोग करते हैं, पेन टूल से अलग लेयर बनाते हैं और दोबारा से आउटलाइनिंग पे दोबारा आउटलाइनिंग करते हैं कलरिंग के लिए, लेकिन मैं आपको इजी स्टेप बताऊंगा, तो इस स्टेप को मिस नहीं करना। ठीक, नहीं समझ आती दोबारा देखो, नहीं समझ आती दोबारा देखो। ठीक, तो यहाँ से मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर दोबारा से आपने जाना है ऑब्जेक्ट में जाना और यहाँ से एक्सपेंड करना। अब आपका एक्सपेंड अपीयरेंस भी ओपन होगा और ये वाला बंद हो जाएगा,
वो आप तक है ना, वो आपने शायद कोई गलती की हो, गलती तो नहीं है, दोनों तरह से ठीक है, जो भी आपका ओपन हो ना, एक्सपेंड अपीयरेंस ओपन हो या एक्सपेंड, वो आपने उसको क्लिक कर लेना है। ठीक, मेरा एक्सपेंड ओपन है तो मैंने एक्सपेंड कर दिए, और पाथ फाइंडर से मैं क्या करूँगा, मर्ज पे क्लिक कर दूँगा। अभी मर्ज होगी ये सारी जितनी भी हमने आउटलाइनिंग की है ना, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो पूरी सेलेक्ट होती है। ठीक, तो ये मर्ज होगी। अब मर्ज होने के बाद क्या करना है, आपने मर्ज हो जाए ना, फिर आपने, मैं यहाँ पे कलर पैलेट अपना प्लेस कर लेता हूँ, ये मैंने सिंपल सा बनाया ये कलर पैलेट, ये पिंटरेस्ट पे पड़ा हुआ था तो मैंने वहीं से इसको बना लिया खुद इजी स्टेप में। ठीक, तो आप लोगों को मैं ये इसका भी समझा दूंगा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से ये डाउनलोड कर लेना ये कलर पैलेट। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको लॉक कर लेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो कलर पैलेट है ये वाली ले लेंगे जिसमें हमारी स्केचिंग हुई है, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट कर लिया, मर्ज भी कर दिया। ठीक, तो इसकी ये कॉपी ले लेंगे, यहाँ से जो कॉपी ली है ना उसको आपने हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर लेना है, और नीचे वाली जो लेयर है ना उस पर हम लोग कलर कलर पोर्ट कर देंगे। ये मेरा बेस कलर है, ये डार्क शेडो है, ये उससे हल्का है, ये उससे लाइट है, ये सबसे लाइट कलर है। इस तरह मैंने बनाता हूँ अपना कलर पैलेट। ठीक, नहीं तो आप अगर गूगल से कलर पैलेट लेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी, वो उसको समझने के लिए अलग कोई वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो मैं आपको अपना कलर पैलेट का इजी समझा देता हूँ। जो पहले ये वाला कलर होता है ना, ये बेस कलर होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, जो दूसरा कलर है ना ये डार्क कलर होता है, जहाँ पे डार्क शेडोज होते हैं वहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ, फिर उससे लाइट कलर होता है, फिर उससे लाइट होता है, लास्ट में लाइट कलर। ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच कलर का मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक, बेस कलर हम लोग करेंगे, ये रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे, जो लेयर हमारी ओरिजिनल है ना उस पर करना है, जो कॉपी लेयर है उसको लॉक कर लेना, यहाँ पर स्टेप को सही फॉलो करना है आपने। ठीक, अब शर्ट पर वो हम लोग बाद में कलर इजीली वन क्लिक में चेंज करेंगे, अरेंज कर लेना आपने, और सेंड टू बैक, ये कलर हमारा सेंड टू बैक अलग है। फिर हम लोग पूरे को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से और पाथ फाइंडर से मर्ज कर देंगे। अब ये कलर भी इसके अंदर मर्ज हो गया, फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप में जाके हम लोग जो बार वाला एरिया ना उसको डिलीट कर देंगे। अगर यहाँ पर गौर करना, अगर आपने यहाँ से बार वाला एरिया डिलीट किया और अंदर से भी कलर डिलीट हो जाए ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं से अपनी जो स्टॉक है वो ओपन रखी है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक थोड़ी सी भी खुली छोड़ देता ना, ये कलर वाइट अंदर चला जाता, ये कलर अंदर होता ही नहीं, तो मेरा मतलब, इसका मतलब मैंने अभी ठीक कलरिंग की है। ठीक, दोबारा से हम लोग लेंगे, यही यहीं पर रहेगा, डबल क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, ये लेयर्स यहीं पर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इसको सिलेक्ट किया और सिंपल आई ड्रॉपर से कोई भी कलर आप पुट कर लो, ये बहुत इजी होता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने इंटरसेक्ट करनी है पूरी इसको। ठीक, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ओपन होता ना तो ये वाइट कलर पूरे फेस पे भी आ जाता। बिगनर है, नहीं समझ आई, फिर इंशाल्लाह किसी दिन समझा दूंगा सही तरह। आई बाल को मैं फिलहाल ब्लैक ही कर लेता हूँ, और लिप्स का भी कलर मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, वो बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि लिप्स का अगर आपको बताया तो फ़ायदा नहीं है, मिस्टेक करेंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी कैप है वो रेड है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, सिंपल। कितना इजी है, आपको दोबारा से तो वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हैं, दोबारा पेन टूल लेके आपने ऊपर आउटलाइनिंग नहीं की, वहीं से सिंपल वन क्लिक कर रहे हैं, शर्ट पे पूरा कलर हो जाएगा, सिंपल है। रेड कलर आपको समझ नहीं आएगा, फ़िलहाल मैं इसके अंदर यही कलर रहने देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल ये कलर थे। तो अभी हम लोग इसके अंदर करेंगे शेडिंग, शेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब शेडिंग के लिए भी एक तरीका है, वो आपने आजमाना है, ठीक, और इसको फॉलो करना है जो बिगनर है, नहीं तो आप, अगर आपको आता है तो आपकी लिए इजी हो जाएगा। अब जो लेयर थी ना हमारी मेन लेयर जिसमें हमने बेस कलर किया, इसको अभी हम लोग नाम दे देते हैं बेस, बेस कलर की है, जो ऊपर वाली लेयर होगी ये लॉक की रहेगी, इसको आपने नहीं छेड़ना है। अब इसके ऊपर एक लेयर बनानी है, इसका नाम हम वन देते हैं, इसका मतलब हम लोग वन कलर करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे वन रखा है, वन कलर का मतलब होगा ये डार्क कलर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और नीचे वाली लेयर को भी लॉक कर लेना। अब बेस लेयर को भी लॉक करना है और ऊपर वाली लेयर को भी लॉक कर लेना है, जो हमारी कॉपी लेयर थी ना। अब जो काम होगा, हर कलर के लिए अलग अलग लेयर बनेगी, मेरी बात समझ आ गई है ना, जैसे ये अलग अलग कलर यहाँ पे पड़े हैं ना, इसी तरह अलग अलग कलर की यहाँ पे लेयर होगी। एक लेयर पे आप सारे कलर नहीं कर सकते, वो ऊपर नीचे हो जाएंगे कलर, तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक,
वैसे भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके लिए लाजम है कि अलग अलग लेयर पे आप लोग काम करें। फोटोशॉप में भी हर काम अलग अलग लेयर पे होता है, इस तरह यहाँ पे भी हम लोग कलर भी अलग अलग लेयर पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर पीछे शोर हो रहा है तो उसको इग्नोर करना, आपकी मर्ज़ी है। आप पेन टूल से कलरिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, या फिर पेंसिल टूल से। पेंसिल टूल की ये सेटिंग देख लो आप लोग, आपकी मर्ज़ी है। आप 35 पे रखते हो, 45 पे जो स्मूथनेस है ना, जो माउस यूज़र हैं तो 50 रखें, उतने उनके लिए बहुत है, 50 से ऊपर ना जाए मेरे ख्याल से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या पता है कि नीचे वाली लेयर कौन सी है, जो नीचे वाली लेयर होती है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही, कि हम शेडिंग कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने क्या करना है, नीचे वाली जो लेयर है ना हमारी करेक्टर की, तो वो यहाँ पे मॉडल की जो लेयर है उसको विजिबल कर लेंगे, और जो बेस कलर वाली लेयर है ना उसको अपने कंट्रोल दबाना है, और यहाँ पे इस आई पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आपकी आउटलाइनिंग नज़र आ जाएगी और ये कलर गायब हो जाएगा, कलर यहीं पे है। दोबारा कंट्रोल प्रेस करें और इस आई पे क्लिक करेंगे तो विजिबिलिटी नज़र आ जाएगी आपको। तो ये आसान तरीके, यहाँ से आपने बंद किया और ये शेडिंग आपको नज़र आ रही है, ये सारी शेडिंग कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये डार्क कलर ले लेंगे और पेंसिल टूल से मैं करता हूँ शेडिंग, और ये इस लेयर पे। बाकी आप लेयर को देख लो, सारी लॉक है, और ये इसको मैंने विजिबिलिटी इसकी बंद कर दी। अब मुझे जहाँ जहाँ पे नज़र आ रहे हैं शेडोज़ मैं आपको कर देता हूँ, और आपको मैं बता देता हूँ शेडोज़ जहाँ पे कहाँ पे हैं। सबसे पहले जो शेडो है ना, आपको मैं ये वाला एरिया शेडो में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डार्क एरिया, ये सारा लाइट एरिया, यहाँ पे लाइट वाला एरिया आएगा, और यहाँ पे भी शेडो आ जाते हैं। देखें, ये सारा एरिया शेडो में आ जाता है, तो यहाँ पे भी हम डार्क कलर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कलर डार्क कर देंगे, स्टेप में जो दो तीन कलर है ना उनको कर देंगे, और ये मूछें इसकी मैं बाद में बना दूंगा लास्ट में। ये वाला सारा एरिया इसका डार्क शेडो में आ जाता है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारा डार्क में आ जाता है। और हैंड में भी आपको बता देता हूँ, जो यहाँ ये वाला एरिया ये डार्क है, जहाँ पर डार्क लाइट पड़ी हुई है ना वो डार्क एरिया है। अब देखें यहाँ पर ये डार्क है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हैंड पे ये डार्क एरिया है और ये लाइट वाला एरिया है। तो हम लोग यहाँ पे डार्क कलर करेंगे, वहाँ पे या कलर करेंगे या वहाँ पे लाइट कलर कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे डार्क हो गया, इस ईयर पे डार्क है, और ईयर के हमेशा अंदर यहाँ पे डार्क ही करना है, यहाँ पे नहीं है, तो आपने खुद से भी डार्क कलर करना है। और होंठों पे कहाँ पे डार्क है, जो इसके लिप्स है ना, देखिए ये सारे जो यहाँ पे आपको रेड रेड एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये सारा डार्क शेडो में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इसके फेस में ये सारे डार्क शेडो हैं, ये वाला पार्ट सारा डार्क है। ये मैंने जानबूझ के ये वाली पिक्चर चूज़ की ताकि आपको समझ आ जाए। और ये आइज़ के नीचे सारा डार्क शेडो है, ये डार्क शेडो है, देखें यहाँ तक। तो ये मैंने आपको सिंपल एक बता दी है, टच दे दिए कि कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, डार्क कलर हमारा कौन सा है, सबसे ज़्यादा डार्क कलर ये है, कोशिश करें इसको लास्ट में ही करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको सही नज़र आ जाएगा। अब ये डार्क कलर जो है ना, ये सारा इस एरिया में आ रहा है, तो हम लोग इसको सिंपल डार्क कलर कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे हेयर्स एंड स्किन की भी आपने डार्क कलर करना है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह करते हैं, आपको मैं बता दूं, आप इस तरह डार्क कलर करते हैं, शेडिंग आप इस टाइप की करते हैं, या फिर इस टाइप की करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो कहता हूँ इस टाइप की अगर आप कर सकते हैं ना, जैसे ये वाली मैंने लाइन लगाई है, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जब आप तीन चार कलर करते हैं ना, वो इसमें मर्ज हो जाते हैं, अच्छा लगता है, उसमें विजिबल हो जाता है ज़्यादा, कि यार यहाँ पर ये वाला कलर के यहाँ पर ये। मैं आपको कहता हूँ ये वाली अगर आप शेडिंग कर सकते हैं इस टाइप की, जैसे मैं करता हूँ अपने आर्ट वर्क में, ज़रा सी आपने लाइंस को ज़रा सा वो कर मॉडिफाई करके आपने लगा देना था, तो वो चीज़ें। अब देखें यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी शेडिंग करना पसंद करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे अपने वाली शेडिंग करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है।
इस टाइप की शेडिंग मैं आपको कर रहा हूँ, ये जो बीच में पॉइंटी पॉइंटी होते हैं ना, तो ये वाले। ईयर्स के अंदर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। और ईयर को ईयर की तरह ही बनाना है, शेडिंग जैसे है ना, जितना डार्क कलर करेंगे उतना वो 3D लुक में आता रहेगा। ये नहीं कि ब्लैक कलर आप कर लो, इतना ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक। देखिए ईयर के लुक में आया ना, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये बार की तरफ होता है। अगर आप रियल लाइफ में वो करें ना, इमेजिन करें, किसी की ईयर की शेप देखेंगे आपको नज़र आ जाएगी। ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी से आपको जो पूरा आर्ट वर्क बनता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आप अपने फेस पे अगर आप बना रहे हैं, किसी और का फेस बना रहे हैं, किसी में जो चाइनीज़ होते हैं उनके फेस में लाइट ही लाइट होती है, और आप उसका वो चीज़ें सीखने के लिए आपको टेक्निक सीखनी पड़ेंगी ना, कि ये लेयर मैनेज करना, लेयर क्या होती है, ये क्या होता है, ये हर कोई सिखाता है। इनके लिए अलग यूट्यूबर्स हैं ये चीज़ें सिखाने के लिए, लेयर कैसे मैनेज करते हैं, GFX मेंटोर बोल इस तरह टूल्स सिखाते हैं सारे। अब वो पेंटिंग करना तो नहीं बताते आप लोगों को, वेक्टर आर्ट करना तो नहीं बताते, मेरी बात समझ गए, फोटो मैनिपुलेशन नहीं करते, वो आपको टेक्निक्स बताते हैं कि इस टूल से आप ये काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा यहाँ से ये मुमकिन है, यहाँ से ये कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप अलग यूट्यूबर हैं उनसे आप सीख सकते हैं। अब मैंने आपको बिगनर है तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, नहीं तो आपने देखे होंगे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ये लेयर्स वेयर्स नहीं बताते, वो सारे मेन मेन टेक्निक्स बताते हैं आपको बनाने की, कि यहाँ पर मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है जिसकी वजह से ये मेरा हार्डवर्क निकल के आया है, अच्छा निकल के आया है, कौन से कलर चूज़ करने चाहिए, वो सारा वो बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर कर दिया। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा करता हूँ, तो जो ज़्यादा डार्क कलर है ना उसको इतना ज़्यादा नहीं करना कि पूरे फेस पे आ जाए। वो शेडिंग इसके हिसाब से ही करनी है, जैसे इसके देखें शेडिंग यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं डार्क शेडो, तो ऐसे ही करना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे सर्कल बना दिया अपने से ही ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं, अब जैसे ही नज़र आ रहा है ना ऐसे ऐसे ये सारे ऐसे ही करने हैं आपने, ठीक। ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको ये वो करूँगा कि आप ये जो डार्क कलर होता है ना लास्ट में ही करें। तो ये वाला कलर हो गया, इसके लिए मैं लेयर को लॉक कर देता हूँ। अब इसके नीचे लेयर बनाएंगे, ठीक, और यहाँ पर इसका नाम मैं 2 दे देता हूँ, उसका मतलब सेकेंड कलर यहाँ पर होगा। अब इस कलर को हम लोग डार्क शेडो की तरह यूज़ करेंगे सारे उसमें, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए डार्क लगाया है, तो लास्ट में मैं दोबारा इसको और अच्छा बनाने के लिए लगाऊँ यूज़ करूँगा इस कलर को, ठीक। तो ये हम लोग इसके आइज़ में कर लेते हैं, ऐसे कर लेना आपने भी। ये आपने भी ऐसे ही कर लेने, ठीक। तो ये बताना मुश्किल है, तो मैं अभी चुप करके बना रहा हूँ, अब बोर हो जाते हैं लोग, इसलिए फास्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो अभी मैं अपने हिसाब से शेडिंग कर रहा हूँ, किसी लोगों को समझ नहीं आएगी यार जिसने कैसे किया है, उसके फेस पे अलग शेडोज़ होंगे, अलग उसकी वो होगी शेप। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जितना ज़्यादा अच्छा ख़राब होगा उतना ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, अब यहाँ पे मुझे किसी न किसी तरह जल्दी बनाना है।
नहीं तो मैं वो टाइम लगा के बनाता हूँ इसको, बहुत ही ज़्यादा टाइम जैसे कहते हैं ना। देखिए शेडिंग ऐसे ही डालनी जैसे इसके फेस पे थी, तो मैंने खुद से कुछ चीज़ ऐड नहीं की। अगर ऐड करते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, जैसा वो क्लाइंट फिर बोले या फिर आप खुद बनाते हो जैसे, तो वो अलग बात होती है ऐड करना, नहीं तो फेस शेप टू शेप सेम टू सेम ही होनी चाहिए। कार्टून करेक्टर बनते हैं वो भी रेफरेंसेस से बनते हैं, रियल फेसेस होते हैं वो लोग, उनको देख के उनकी फेस की शेडिंग जो होती है ना वो अपने कार्टून करेक्टर में ऐड कर देते हैं। तो सेम टू सेम ये भी ऐसा ही है कि आपने बस इसकी भी शेडिंग जो है ना वो कर लेनी है, जो सेम टू सेम है। अब मैंने यहाँ पे मैंने पूरा को नहीं किया यहाँ पे ये सारा चीज़, यहाँ पे मैं दूसरा कलर कर लूँगा ना तो वो उसमें पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे वाली शेडिंग भी कर सकते हो ऐसे किया। ये चीज़ें लाइव आके अगर मैं लाइव आऊँ तो तब बताई जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत जितना टाइम लगे तो बता सकते हैं ना। तो छोटी वीडियोस में तो अपलोड होने में भी एक दो दिन लगा लेती है। कितना टाइम हो गया, 26 मिनट की होगी। अब मैंने एक कलर भी नहीं इसी तरह किया, तो अब मैं यहाँ पे डार्क शेडो कर लेता हूँ, वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि डार्क शेडो आपको मैंने बता दिए कहाँ कहाँ पे करने हैं, तो फास्ट वीडियो में भी आपको समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ पे आपने डार्क शेडोज करने हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को ना यहाँ से फास्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो हैंड है ना वो यहाँ से मैंने नहीं किया, वो मैंने बोला कि आपको बता दिया जाए यहाँ से। अब देखिए इसकी शेप ऐसे है हैंड की जो है ना, अब इसको कैसे बनाना है, तो आपने सिंपल कोई डार्क कलर ले ली जो आप प्योर पिक्चर पे कर रहे हैं तो उस टाइप पे उसके अलग हो सकते हैं ना। मैं आपको सिंपल यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी डार्क कलर है, मैं यहाँ से इस तरह जाऊँगा, इसको पूरे को ऐसे नहीं कर दूँगा, वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि दरमियान में ये वाइट कलर आएगा, मतलब कि लाइट है दरमियान में, सिर्फ साइड्स पे शेडोज़ हैं, तो मैं सिर्फ साइड पे ही अब यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ से मैं वापस लेकर जाऊँगा और दरमियान वाली जगह मैंने छोड़ दी और साइड पे मैंने शेडो पुट कर दिए, देखें ऐसे ठीक। तो यहाँ से मैं इसको परफेक्ट कर लूँ, तो अभी हम दूसरे कलर की तरफ जाएंगे। बाकी ये हैंड का मैंने तो नहीं ख़ास नहीं बताया यहाँ पे, वीडियो फास्ट ही थी तो खैर कुछ नहीं होता, आगे ताकि दूसरे कलर भी आपको समझा दूँ ना। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ डार्क कलर कर दिए थे, ये जो डार्क एरिया था ना यहाँ पे मैंने डार्क कलर कर दिए ठीक सारी जगह पर जो फेस फेस पे थे। अब हम लोग नेक्स्ट कलर की तरफ जाते हैं, इसको लॉक कर लेंगे और इसके नीचे एक और लेयर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे 3। मतलब कि आपने नीचे की तरफ लेयर बनानी है, 1 2 3 ऊपर से नीचे आएगा, ये आप देख ले मेरी लेयर ठीक।
और ये वाला कलर करेंगे, ये जो कलर होगा ये हम लोग सारे एरिए में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इस कलर को। इसके बाद हमारा पास लास्ट कलर रह जाता है, ये कलर हम लाइट के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है ना वहाँ पे ये कलर होगा। तो इसलिए इस वाले कलर को कोशिश करें जो सेकंड लास्ट कलर होता है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने पोर्ट्रेट में या वेक्टर आर्ट में आप जो भी बना रहे हैं। सिंपल जो नीचे वाला बना हुआ उसको ही मैं ऊपर से आगे से वो कर रहा हूँ, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा करूँगा यूज़। जैसे इसकी शेप है ना फेस की मैंने वैसी बनाई है, देख ले। अभी ये मैंने जो डाले ना यहाँ पे पॉइंट ही, तो इसकी जैसे शेप है तो मैंने वैसे ही यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक। तो खुद से आपने कुछ नहीं करना, जैसे इसकी फेस का स्ट्रक्चर है ना वैसे ही आपने कर लेना है। दरम्यान वाला पार्ट वाइट आ गया, आप साइड पर जो शेडोज रह गए ना उसको हम इससे फिल कर लेंगे ऐसे, खुद ही आप देख लें। ये चीज़ ठीक ऐसे आप लोगों ने भी कर देना है, इसको फिल कर दे, ठीक। और अभी इस वाले जो फेस है ना इस साइड वाला, उसको अभी हमने कैसे करना है, सिंपल जो नज़र आ रहा है ना आपको डार्क डार्क एरिया उसके ऊपर बस इसको फिल ही कर लेना है सिंपल ऐसे। तो ज़रा मैं तरीके से करूँगा, मेरे पास माउस को देखते जाए कैसे कैसे मैं पेन चला रहा हूँ। मैंने कितने ज़्यादा एरिया कवर कर दिए इस कलर से, तो आपने भी ऐसे ही देखें। वही बंदा बना नहीं बना, शेप आपने अगर सही रखी ना तो ये कलर आपके लिए मैंने खाली दिए हैं, आप इससे बनाएं, इससे भी बहुत अच्छे आर्टवर्क बनते हैं। पिंटरेस्ट पे आप जाएंगे ना वेक्टर आर्ट लिखें तो इस टाइप के भी आर्टवर्क बनते हैं, वो ज़रा सा एडिटिंग की करते हैं तो फोटोशॉप में जाके ना तो ज़रा कूल लगते हैं ये वाले चार कलर वाले। तो नहीं तो आपको दूसरा कलर पैलेट मैंने पुरानी वीडियोज़ में दिए हैं, जाके वो ले लो, उससे आप लोग कर सकते हो उस कलर पैलेट को भी। बस जैसे इसका फेस है ना वैसे आपने बस इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना लेना, क्योंकि मैं इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, हर बंदे का अलग अलग फेस होता है तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी, नहीं तो ऐसे एक दिन में नहीं आएगा। मुझे भी पता है यहाँ पर कुछ लोग देख लेंगे और छोड़ देंगे वीडियो को, क्योंकि वो बोल गया समझ नहीं आई, इसने पूरा समझाया नहीं है। हम मैंने पूरा समझाया है, आप लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि आपने प्रैक्टिस एक दफ़ा प्रैक्टिस तो करें, 10-15 आर्ट वर्क बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी यार यहाँ पे ऐसा कलर था तो ऐसे करना है। मैंने इतने पुराने वेक्टर आर्ट अपने डिलीट किए ना, इसलिए डिलीट किए यार मैंने अच्छे नहीं बनाए थे, मुझे समझ आ गई थी यार उसमें गलतियाँ बहुत थी, तो उनको मैं देखता था तो मुझे अजीब सा लगता था, इसलिए मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। अभी भी जो मेरे वेक्टर आर्ट हैं उनमें मुझे गलतियाँ नज़र आती हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगली जो वीडियोज़ बनाऊँगा ना उनमें गलतियाँ नहीं करूँगा। इस पूरे एरिया को हम लोग कवर कर लेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे डार्क शेडोज़ हैं तो उसमें लाइट तो है ही नहीं, तो जो ये है ना आपकी मर्ज़ी, आप टैटू बनाते हो नहीं बनाते हो वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे आपने सारे फेस पे भी कर लेना है इसको, देखिए मैंने सारे फेस पे कवर ही कर लिया सिंपल, कोई लंबी कहानी नहीं। जैसे इसका देखें स्ट्रक्चर है ना उसी के ऊपर ये कलरिंग हुई है, और ये देख ले कोई मैंने इसका चेंज नहीं किया, तो आगे आपकी मर्ज़ी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसी कलर को लेके, ये नहीं कि आपने कभी मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ समझ आई है ना तो आप फिर किसी और की वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा, वो अपना तरीका बताएगा, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, ये मेरी बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक। अब मैंने ची वर्ल्ड 1-2-3 जो है ना उससे ये सीखा है मैंने, आप कह सकते हैं, क्योंकि सारा क्रेडिट उसको जाता है, वो वीडियो उसकी मैं देखता था तो मैं उसी से इंस्पायर हुआ। लेकिन अगर आप उसके भी वीडियो दे शायद आपको समझ नहीं आए, मैं स्लो मोशन में देखता था
क्योंकि मुझे मेन चीज़ शेडोज़ की थी, लेयर का तो मुझे पता था क्योंकि फोटोशॉप में मैं एक्सपर्ट था, तो ये लेयर शेयर्स का मुझे सारा पता था क्योंकि अभी मैं क्लिप स्टूडियो पेंट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सेम टू सेम फोटोशॉप ही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार पहले लेयर्स के बारे में सीखेंगे ये वो, तो दफ़ा करो, आपको चीज़ बनाने आती है वो चीज़ आप पहले ना देख लो। ये नहीं कि अगर आप अभी लेयर्स को ही देखते रहो घंटा घंटा, कह रहा हूँ आप लोग पहले यही देखते हो यार लेयर्स को इसने कैसे मैनेज किया। उसने अपने हिसाब से मैनेज किया ना, उसको सारा पता है लेयर्स के बारे में, वो अपनी मर्ज़ी से उसको मैनेज करेगा, उसको ऊपर रखे नीचे रखे वो उसकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि उसको लेयर्स के बारे में पता है, उसको अभी क्या कहते हैं कि अपने आर्ट वर्क पर वो फोकस कर रहा है कि ये चीज़ कलर कैसे करने, कलर इसके साथ कौन से अच्छे लगेंगे, वो उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ना कि लेयर्स पे कि लेयर्स को कैसे करने मैनेज ये वो। ठीक, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप प्रैक्टिस करते हो नहीं करते। मैंने सिंपल वाले आपको बिगनर जो है ना बनाए दिए, मतलब के बताए दिए सारा। तो अब मैं हैंड पे ऊपर जल्दी आता हूँ, लिप्स पे पहले आप लोगों को बता दूँ, बाकी हैंड पे भी ऐसे ही होगा सारा कुछ, लिप्स का आपको बता देता हूँ। तो लिप्स पे आपने यही कलर करें, जो ये वाला कलर है ना यही करेंगे हम लोग लिप्स पे भी। वापस से हम इस वाले कलर पे आते हैं, डार्क कलर जो है ना ये वाला कलर लिया। लिप्स के लिए मैं कोई अलग कलर नहीं दूंगा आपको क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सेम कलर करेंगे अच्छा लगेगा। फोटोशॉप में आपको बता दूंगा कि कैसे इसको बेटर करना है। फोटोशॉप में आप जाएंगे बोलेंगे यार ये चीज़ तो है ही गंद है, डबल स्टेटर से आप शायद भूल ही जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे डार्क शेडोज है ना वहाँ पे मैं कर दूंगा, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करते हो, जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे करते हो या फिर अपनी मर्ज़ी से जैसे करते हो करो। जैसे जैसे डार्क शेडोज है ना ऐसे कर लेने, सिंपल ये डार्क शेडो की है। अब इसके अंदर नीचे वाला कलर कौन सा है, ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर है। तो इस वाले कलर का आप लोग हम देखेंगे कि कहाँ पे होता है, दरमियान में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर है मतलब कि लाइट है। अब जो ये रेड वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके डार्क शेडोज आ गए क्योंकि लिप्स का कलर ज़्यादातर रेड ही हम लोग बोलते हैं इसको, पिंक, तो इसीलिए देखें यहाँ पे जो इसका शेडो कलर जो होंगे वो पिंक होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिप्स के कलर नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग इसी कलर को देखेंगे यार यहाँ पे ये शेडोज आ रहे हैं, तो ये ऐसे कर देंगे। ठीक, अब देखें कैसे कितने मज़े की शेप निकल के आई है इसके लिप्स की, तो ऐसे ही आप लोगों ने कर लेना है। जब ज़्यादा कलर होते हैं ना फिर हम लोग ज़्यादा कलर, जब हम लोग 7-8-9 कलर करते हैं ना, जब फुल डिटेलिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग थोड़े थोड़े कलर करते हैं। अब इसमें मैंने एक कलर से सारा पूरा कवर कर लिया, तो उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें हम लोग ज़्यादा कलर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो डिटेलिंग लगता है। आपको मैं बता देता हूँ, शायद आपको मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था वो वाला आर्ट वर्क, यहाँ पे अगर हो गया तो मैं आपको बता देता हूँ। लोडिंग बहुत कर रहा है यार, किधर है ये। अब आप इसको दूर से देखेंगे आपको एक आर्टवर्क नज़र आया, अगर आप जूम करें ना एक दफ़ा इसको देख लो कितनी शेडिंग मैंने डाली है। अब ये सारी पेन से डाली है, पेंसिल से ही मैंने, जो पेन टूल यूज़ करता हूँ ग्राफिक टैबलेट वही है, खुद ही देख लो। मैंने इस पर हेयर्स पे इतना काम नहीं किया, हेयर्स को सिंपल छोड़ा है क्योंकि टाइम इतना लग गया था इसकी टंग जंग ये देखे। लिप्स पे मैंने इतना काम नहीं किया, खाली मैंने इसके जो हैंड है इसका फेस है उस पर सारा काम किए, देखें कितना डिटेलिंग मैंने ये चीज़ें मैं डालता हूँ तो इससे कलर मर्ज हो जाते हैं। ठीक, दूर से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा या कलर मर्ज नज़र आ रहे होंगे, आपको पॉइंट ही नहीं हो रहे होंगे। अब हैंड को देख लें, सारे कलर ऐसे ही यूज़ किए। और दूसरा जब ये वाला वेक्टर आर्ट होता है ना, आपको इसका पता, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे इसने ये लगाया, तो इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, इससे भी लोग डिटेलिंग बनाते हैं, इससे ज़्यादा डिटेलिंग जो होते हैं ना बनाते हैं लोग, उसमें ये भी नहीं नज़र आएगा आपको कि यार यहाँ पे इसने क्या कलर किए भी या नहीं किए, वो वेक्टर आर्ट में भी आ जाता है। तो ये आप तक है कि आप कैसे करते हो, प्रैक्टिस आपकी कैसी है। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल बता दिए शेडिंग, आपको मैंने सिंपल बता दिए कैसे करनी है, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है ना कि आप। अब देखिए यहाँ पे लिप्स कलर है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ना वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वाइट कलर जहाँ पे तो वहाँ पे मैं इस कलर को देख रहा भी नहीं, जहाँ पे वाइट कलर है ना वहाँ पे मैं इसको नहीं कर रहा। ऐसे ठीक, तो
ईयर भी हमारा लग रहा है कि ये ईयर है, देख लो आप लोग, शेप भी उसी बंदे की, ये सब कुछ वही है। आइस पे भी आप लोग कब तो करो, ग्रे कलर कर दो, हर कलर के लिए अलग अलग लेयर बनानी है। टी शर्ट पे इसके लिए अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दूंगा कि टी शर्ट पे कैसे कलरिंग करनी है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ से फास्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको पूरा प्रोसेस नज़र आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टी शर्ट का बताऊँगा और कैप का बताऊँगा, इनमें कैसे शेडिंग की जाती है। तो आई होप यार आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी स्पीड वीडियो देख लो आगे से।